मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का पर्व मनाया। इस अवसर पर उन्होंने पूजा अर्चना की, भजन गाए और महाआरती की। मुख्यमंत्री ने सांदीपनि आश्रम को विशेष रूप से चुना, जो भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। उज्जैन में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पुलिस बैंड द्वारा प्रस्तुत भजनों से प्रभावित होकर सभी जवानों को 10-10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। उन्होंने आश्रम परिसर में स्थित भगवान शिव और बैकुंठ धाम मंदिर में भी दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। उज्जैन में कृष्ण जन्मोत्सव पूरे धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रमुख मंदिरों जैसे गोपाल मंदिर, इस्कॉन मंदिर, श्री कृष्ण मित्रविंद्रा मंदिर और सांदीपनि आश्रम को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा श्री कृष्ण पर्व के तहत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें लोकप्रिय कलाकारों ने भाग लिया। उज्जैन के सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालयों व महाविद्यालयों में भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े प्रसंगों और दर्शन पर आधारित परिसंवाद के कार्यक्रम भी आयोजित हुए, जिससे छात्रों को उनके आदर्शों और सिद्धांतों से अवगत कराया गया।